आज आपण आलो आहोत उदयपूरमधील फेमस असं सिटी पॅलेस बघायला। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एक आपण गाईड घेणार आहे आणि हा गाईड आपल्याला सिटी पॅलेसविषयीची संपूर्ण माहिती संपूर्ण हिस्ट्री सांगणार आहे। तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राइब जरूर करा। हे हॉटेल बनले राजस्थान के अंदर आप कहीं भी जाओगे ना घोड़े और हाथी का सिंबल आगे चलो बैठ साहब और हटाएं बिले बिले अभी चलो राजा के लड़के हैं ना महाराज कुमार लक्षराज सिंह जी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। पैलेस में रहते हैं आधा पहले सपन देख रहे हैं आधे में रॉयल फैमिली रहती है। जो ये दिख रहा है आपको तस्वीर के अंदर राजकुमार है। अभी जो पैलेस देख रहे हैं इस पैलेस को एक राजा ने नहीं बनाया 22 राजाओं ने अलग अलग टाइम में बनाया। 450 साल लगे इसको बनने में और महाराज कुमार लक्षराज सिंह जी 24वीं पीढ़ी है। आधे पैलेस में तो है किंग पैलेस और क्वींस पैलेस आधे में आज रॉयल फैमिली रहती है जिसने उनकी दो होटल्स है शिव निवास पैलेस और फतेह प्रकाश पैलेस हिस्टोरिक रिसोर्ट होटल्स है HRH ग्रुप ऑफ होटल्स इन ग्रुप का नाम है। और आपको पता है ताज जो है ना लेक पैलेस ये रॉयल फैमिली ने लीज पे दे रखा है बाकी राजाओं का समर पैलेस है। अभी जो श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ जो है ना इस वीडियो में आएंगे अभी ये महाराज कुमार लक्षराज सिंह जी मेवाड़ है इनके फादर है जिनका बिजनेस है HRH ग्रुप ऑफ होटल्स है। और अभी जो अपन पैलेस देख रहे हैं ना जिसमें सबसे बड़ी बात मैं क्या बता रहा हूँ आपको पता है हिंदुओं के किसी भी महल में या किसी भी घर में जाते हो ना तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। गणेश जो है गौरव गुड लक है। यहाँ जो अपन स्टेचू देखेंगे 450 साल पुराना है और सिंगल पीस मार्बल में बने हुए हैं गणेश जी शेष नाग पे विराजे हुए हैं और छोटे छोटे कांच के पीस यूज करके ग्लास मिले कहते हैं। ये 400 साल पुरानी गणेश भगवान की मूर्ति है और ये जो जितनी टाइल्स दिख रहे हैं ना इंग्लैंड से मंगाई इंग्लिश विक्टोरियन टाइल्स से है। और लक्ष्मी जी है श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा और श्री इकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी यहाँ के राजाओं के इष्ट देवता ना इकलिंग जी शंकर भगवान है जो फोर फेसेस गॉड है ब्रह्मा विष्णु महेश और शुभ। साढ़े 450 साल पहले राणा उदय सिंह जी जब इस जंगल में आए थे मैं कुछ भी नहीं था ये पूरा पहाड़ी इलाका था और यहाँ एक गुरु जी बैठे थे सर गुरु गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज जिन्होंने एडवाइस दी थी इस पैलेस को बनाने के लिए। तो इस पैलेस को बनना शुरू हुआ था 16 मार्च 1559 को। सबसे पहले मंदिर बनाया इसके बाद ये महल बनाया यानी ये ओल्डेस्ट पार्ट है जो महाराणा उदय सिंह जी ने बनाया। हाँ और यही देखो आप राजाओं के राज तिलक होते थे उस दिन रानियाँ इन्हीं खिड़कियों के नीचे देखती थी यहाँ से नीचे देख सके नीचे खड़ा आदमी उनको नहीं देख सके ये बन गया। महाराणा उदय सिंह जी जिनके लड़के थे महाराणा प्रताप जिन्होंने फेमस युद्ध किया था हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी उदयपुर से ना 40 किलोमीटर दूर है। कैसे युद्ध हुआ मैं आपको पेंटिंग में बताऊँगा। उसमें ये ओरिजिनल आर्मर यूज किया हुआ आर्मर और ये तलवार ये भाला और ये ढाल इन सभी का टोटल वेट मिला था 35 किलो है 35 किलो। मुगल सैनिक बहलोल खान ने जैसे ही वार करने के लिए तलवार ऊपर की उससे पहले राणा प्रताप ने एक वार किया और इस बहलोल खान को सिर से लगाकर घोड़े समेत दो भागों में काट डाला। इतनी ताकतवर थे राणा प्रताप इसीलिए उदयपुर के राजा को ना महाराणा कहते हैं। महा यानी होता है ग्रेट राणा यानी होता है वॉरियर फाइटर। जयपुर के राजा को कहते हैं महाराजा यानी गुड रूलर इज नॉट गुड फाइटर। आइए और छोटी छोटी पहाड़ियां इस जगह का नाम है हल्दी घाटी। उस टाइम आमेर का राजा मानसिंह जब लड़ने आया तो जिस हाथी पर बैठ कर आया वो हाथी का ट्रेंड का जो तलवार चलाता था इसीलिए महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े के मुंह के आगे
जंगली सुकून लगाया आर्टिफिशियल ड्रम हाथी को कंफ्यूज करने के लिए कि हाथी के सामने अगर घोड़ा जाए तो ऐसा लगे जैसे हाथी का बच्चा हो। मारे ने इसके लिए लगाया था। जैसे ही घोड़े चेतक ने जंप किया हाथी को शक हो गया हाथी का बच्चा जंप नहीं करता है। उसी टाइम उसने सूंड से तलवार चलाई घोड़े का पीछे वाला पांव काट दिया। लेकिन पांव कटने के बाद भी घोड़ा अपने मालिक की रक्षा के लिए यहाँ से घूमा और दौड़ता गया। 22 फीट की बनास नदी जंप की महाराणा को सेफ बचा लिया। घोड़ा वहां जाके मर गया। इस फेमस घोड़े का नाम था चेतक। उस टाइम महाराणा प्रताप का साथ दे रहे थे ना भील आदिवासी। केवल एक दिन युद्ध तो चला 18,000 सोल्जर मारे गए और उस टाइम महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। हिंदुस्तान के पहले राजा जिन्होंने मुगल सेना को हराया था। इस पेंटिंग को 1935 में उदयपुर के लोकल आर्टिस्ट चतुर्भुज ने बनाया था। उदयपुर फेमस है पेंटिंग्स के लिए भी। अब अपने 450 साल पुराना गुरु गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज का मंदिर है उनके दर्शन करके और पैलेस की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सीढ़ियाँ बड़ी है दरवाजे छोटे सिर का ध्यान रखना है। आइए और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ इस पैलेस के सारे दरवाजे छोटे हैं। आपने कभी सोचा दरवाजे छोटे क्यों बनाए हैं? ये अभी रहते हैं ना महाराज को लक्षराज सिंह जी बताया ना उनके फादर है। और ये आधे पैलेस में रहते हैं। इनका ग्रुप है एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स है। दरवाजा एक छोटा दरवाजा निकलोगे ना उसके बाद में बताऊंगा। अच्छा ये जो ऊपर है वाटताना कसं वाटतंय पण दरअसल ये पैलेस जो बैठ गया ना पहाड़ पे बना हुआ है। यानी पहाड़ के ऊपर गार्डन बनाया पहाड़ के चारों तरफ महल बनाया। और आपको पता है 1955 से पहले राजाओं के जमाने में होली खेली जाती थी खास खास पार्टियां होती थी। बाकी ये स्विमिंग पूल है। और पुराने जमाने में लेटर कबूतर से भेजते थे बाय पीजन भेजते थे फीमेल बाद में ई मेल अभी व्हाट्सअप। यह ना 104 मार्बल पिलर्स है 104 उदयपुर का लोकल मार्बल है ये। और इस जगह को कहते हैं ना बाड़ी महल बाड़ी नहीं होता बगीचा गार्डन पैलेस। इस जगह को महाराणा अमर सिंह जी ने बनवाया था 1699 में 1699 के अंदर। इसे इस जगह का नाम शिव प्रसन्न अमर विलास भी कहते हैं। इसको ये देखो आप सर पैलेस कैसा लगता है। आगे छोटे छोटे साइज से आगे आ जाओ दिख रहा आपको ये? हाँ। ये किंग पैलेस है क्वींस पैलेस है। अभी अपन यहाँ खड़े हैं ठीक है ना इधर आओ मैडम। और यहाँ जाएंगे अपन है ना रानियों के महल में। ये आधी प्रॉपर्टी रॉयल फैमिली के पास में है जिसमें उनकी होटल है शिव निवास। ये फतेह प्रकाश ये वाला पार्ट है ना रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है जहाँ रॉयल फैमिली रहती है। फतेह प्रकाश तो होटल है हाँ ताज है। और इस लेक का नाम पिछोला है। ये लेक पैलेस होटल है जहाँ राजा पहले गर्मियों में रुकते थे जग निवास कहते थे इसको। बाद में इसे होटल में कन्वर्ट कर दिया ताज ग्रुप को लीज पे दे दिया है ना। आइए शीश महल मध्ये ओके
235 वर्ष पूर्व की पेंटिंग। उदयपुर किसके लिए फेमस है? पेंटिंग के लिए। ओके ये क्या है? ये क्या है? ये पेंटिंग है, सारी पेंटिंग देखो आप। ओके ओके। जगदीश मंदिर के दर्शन है। कितनी बारीक बारीक पेंटिंग के लिए बोल रहा ना। ये देव है किंग जी। ये ऊपर जो वाला है वोटिंग करते हुए थोड़ा बारीक करना पण खूब है। सारी पेंटिंग ये नहीं यही पर रुकना चाहिए। महाराणा भीम सिंह जी होली खेलते बताया है। यहां का फेमस डांस है घूमर है। इधर एकलिंग जी ने इंडिया में ना पोलो खेला जाता था। ये वो पोलो खेलते हुए ये जग मंदिर लेक पैलेस। ये सारी दीवार पर है, कांच लगा दिया ना विजिटर खराब न करे इसके लिए। और अच्छा से पेंटिंग करने वो वरती छतावर सुद्धा पेंटिंग के लिए आता आपण आलो आहे बाहेरच्या भागामध्ये। तुम्ही बघू शकता ये चाइना की टाइल्स है। हाँ, ओके। इस कमरे में केरोसिन से चलने वाला पंखा है। और उदयपुर के जो राजाओं का हिस्ट्री लिखा ना वो किताब है वीर विनोद, जिसको कविराज श्यामल दास ने लिखा था। उदयपुर को यहाँ से कलरफुल देखना है आपको, वहाँ उधर भी है कलरफुल, देखो आप उधर भी कलर है। यहाँ उदयपुर शहर ऊपर चले जाओ। वर्णा सिटी खूप छान मस्त दिसते। दाखवते खूप छान आहे। होटल उदय विलास है जहाँ एक नई पिक्चर की शूटिंग हुई थी जवानी है दीवानी। हाँ। तो लेक पैलेस और उदय विलास फाइव स्टार होटल हैं। महाराणा जगत सिंह जी ने बनाया था इसको 1746 में, जग निवास कहते थे। बाद में इसे होटल में कन्वर्ट कर दिया है, ताज ग्रुप को लीज पे दे दिया है। मध्ये महिला मध्ये वाकून जाव लागतं। एक तर इथले दरवाजे एवढे लहान आणि खूपच पायऱ्या पण खूप छोट्या आहेत इथे, पण एकदम खूप छान आहे। तुम्ही उदयपूरला येणार असेल तर सिटी पॅलेस नक्की बघा, भारीच आहे एकदम मस्त। हो तुम्ही बघू शकता पायऱ्या। जब भी कभी कोई स्टेट फंक्शन होते तो और ये दरवाजा पहले यहाँ लगा था, वो दरवाजा वहाँ लगा था। महाराणा भीम सिंह ने उदयपुर से सबसे ज्यादा शासन किया था 50 साल। आता आपण आले मोती महल मध्ये। मोती महल कसा आहे ते दाखवते आहे मोती महल। सॉरी आज का ड्रेसिंग रूम जो इतना सॉरी बेटर थी उसे बनने के लिए आज रात में लगा है। तो ये पुराना होटल के अंदर आपको डोरी से चलने वाला डोरी की तो लगा लो। एक्सक्यूज मी, ये शीशे इसे कलरफुल क्यों लगाए हैं? ऐसे ही कि मतलब जमीन देखे यहाँ से बाहर, उस जमाने में कलरफुल ग्लासेस आए थे और डेकोरेटिव ग्लासेस थे। हाँ आइए नीचे आओ मैडम, ये हाथी दांत के आइए ऊपर आओ। हाँ आइए ऊपर आओ। Thank you.
ज्यादा यहाँ नहीं मिलती, सामने वाले कमरे में मिलती थी। आइए अपने लेडीज गेस्टों से मिलती थी। ये देखो आप, ये झूमर इंग्लैंड का है, दरवाजे में लगे हो ना बेल्जियम के कांच है सारे। तर उदयपूरला बघण्यामधल्या सगळ्यात बेस्ट ठिकाणापैकी सिटी पॅलेस हे आहे। जर तुम्हाला सिटी पॅलेस बघायचं असेल तर तुम्ही गाईड घ्या, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला व्यवस्थित सिटी पॅलेस बघता येईल, त्याची हिस्ट्री समजून घेता येईल। आणि तसं म्हटलं तर गाईड वगैरे घेऊन तुम्हाला 2 तास तरी लागतातच, 2 तासामध्ये तुमचं सिटी पॅलेस बघून होतो। तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला? व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर